Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we will be continuing by discussing the important topics and articles from the newspapers of 20 August 2024. RBI paper sees 54% growth in private capex. So, private सेक्टर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है दैट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट. इससे गवर्नमेंट का जो बर्डन है ऑन द एक्सपेंडिचर इन द कैपिटल दैट डिक्रीजेस. तो यहाँ पे डेटा की अगर हम बात करें तो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आरबीआई की जो बुलेटिन है उन्होंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर इट हैज बीन ग्रोन और इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 54%. अगर हम कंपेयर करें कौन से ईयर से 2023-24 से 2024-25 में. अब कहाँ कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है जैसे कि रोड्स ब्रिजेस में पावर सेक्टर्स में. तो मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रिएशन है इन दीज सेक्टर्स जो कनेक्टिविटी और पावर से लिंक्ड है वहाँ पर मेनली देर हैज़ बिन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है कि ज़्यादा जो बर्डन है गवर्नमेंट पर दैट फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट दैट विल डिक्रीज. फर्दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट विल बी मोर विजिबल जिससे कि हायर GDP ग्रोथ होगी एट्सेट्रा. फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी अट्रैक्ट करेगी क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो इवन द फॉरेन इन्वेस्टर्स विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग इन द कंट्री. तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इवन दैट विल इंक्रीज. नेक्स्ट शेयर ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स इन रिटेल पोर्टफोलियोज एट 22-year low. So here this article is mainly regarding the mid small caps attract investors with bumper returns. So यहाँ पे blue chip stocks की बात हो रही है कि blue chip are such corporations या such companies we can say जिनके जो stocks होते हैं बहुत ज़्यादा reliable होते हैं यानी कि उनमें हम invest कर सकते हैं और जो भी high lows आते हैं एक company में they will not much affect the value of the stocks. तो यहाँ पे जून 30 तक जो शेयर ऑफ निफ्टी है 50 फर्म्स इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज डाउन टू 36.8%. तो यहाँ पे देर आर पाई चार्ट में दिखा रखा है निफ्टी 50 कंपनीज ओनरशिप कि किस किस ने इसमें ओनरशिप ले रखी है. नेक्स्ट आसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया टू सीक मोर टैरिफ कट्स. तो अगेन वी टॉक अबाउट द ट्रेड. तो यहाँ पे आसियान और इंडिया की बात हो रही है मेनली. आसियान की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. तो देर आर मेनली 10 कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द आसियान एंड मेनली दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट साइड. जैसे नाम भी बता रहे हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे कि कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस म्यांमार फिर फिलीपींस वियतनाम एट्सेट्रा. दीज आर द 10 कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ आसियान. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट कि क्या क्या इंडिया मेजरली एक्सपोर्ट करता है क्या उसका एक्सपोर्ट इंटरेस्ट है विद द आसियान तो उसमें इट इज़ मेनली रिगार्डिंग केमिकल्स मेटल अलॉयज जेम्स एंड ज्वेलरी टेक्सटाइल लेदर. दीज आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स. फर्दर यहाँ पे अगर हम कीवर्ड की बात करते हैं तो रूल्स ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स. तो यहाँ पे सीम लाइनिंग चाहिए इन द रूल्स ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स एमिट कंसर्न्स ओवर एन इनफ्लक्स ऑफ गुड्स इनटू द कंट्री. 10 countries है बर्मा इंडोनेशिया लाओस मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम. जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उसके अंदर देख सकते हैं. इसके अलावा जब हम रेरा की जो एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट है तो उनमें देखते हैं कि कुछ एग्रीमेंट इंडिया अपने अकॉर्डिंग करता है जिसमें टैरिफ रिलीज से रिलेटेड जैसे जापान के साथ है फिर उन कंट्रीज के साथ है प्रमोट किया जाता है. मिल्क प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनके अंदर देखते हैं कि इंडिया उनका पार्ट नहीं है तो किस तरह से जो चीजें इंडिया को बेनिफिट करती है वहां देखा जाता है.
कनेक्टिविटी के लिए देख सकते हैं, जब हम इंडिया म्यांमार और के साथ कनेक्टिविटी देखते हैं, सॉफ्ट कल्चर टाइज में देखते हैं, तो जो थाईलैंड या इंडोनेशिया के साथ जब हम बुद्धिज्म से रिलेटेड देखते हैं कि किस तरह से जो उनके स्तूप या फिर जो उनके अंग रखे गए हैं उनको प्रमोट किया जाता है कल्चर टाइज के लिए, या फिर जो भी कुछ टाइम के लिए उन कंट्रीज में भेजा जाता है फिर वापस इंडिया में लाया जाता है। और बुद्धिज्म मेनली यही कल्चरल वाला, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे है, तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। ब्लू इकोनॉमी की बात भी की जाती है, जब हम वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं उसके रिगार्डिंग कि किस तरह से ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए और मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई हाई रिस्क टैक्स पेयर्स इन जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम कैग। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इट इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें इट हैज मेंशन के जो ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका हाई रिस्क ऑफ क्रॉसिंग द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। तो यहाँ पे अगर हम स्कीम की बात करते हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो सीएलएस, इट इज द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। तो ये मेनली एक काइंड ऑफ एक लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है फॉर द स्मॉल कंपनीज, जिससे कि उनका जो टैक्स बर्डन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए और जो कंप्लायंस है वो भी सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगेन इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कितना टर्नओवर होना चाहिए एटसेट्रा। जैसे कि जो जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम है, इट इज अवेलेबल टू टैक्स पेयर्स विद द टर्न ओवर ऑफ बिलो ₹1.5 करोड़। तो हेयर इट इज जस्ट रिगार्डिंग द इट्स रेगुलेशन। फर्दर अगर हम सीएजी की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो काइंड ऑफ ऑडिटिंग का और अकाउंट्स मेंटेन करने का यहाँ पे रोल है। नेक्स्ट, इंडिगोज मार्केट शेयर राइजेस टू 62% इन जुलाई। दिस इज रिगार्डिंग दिस शेयर एटसेट्रा मार्केट शेयर में। तो इंडियो इंडिगो का हाईएस्ट यहाँ पे एज वी कैन सी। फिर वी हैव एयर इंडिया, फिर विस्तारा, दीज आर द टॉप एयरलाइंस। एयरलाइन सेक्टर में उड़ान के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है ताकि असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ा जा सके और वहां पर नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताकि जो ट्रेड किया जाता है साउथ ग्लोबल साउथ एशिया में उसको प्रमोट किया जा सके, उसके अलावा जो कनेक्टिविटी उसको बढ़ाया जा सके। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं कि किस तरह से जो एयरप्लेन से रिलेटेड छोटे पुर्जे होते हैं उनको होता है उनका निर्माण किस तरह से किया जाए, क्योंकि पूरी तरह से अभी एयरबस और जो यूरोपियन कंपनीज है उनके ऊपर डिपेंडेंस है कि उनको किस तरह से उनसे लिए जाते हैं या फिर जो सेकंड हैंड एयरप्लेन होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो इस डायरेक्शन में काम किए जा सकते हैं, इससे रिगार्डिंग किस तरह से इनको प्रमोट किया जाए। और एडिंग ऑन टू द उड़ान स्कीम, जब हम बात करते हैं उसकी, तो उड़े देश का आम नागरिक, तो यहाँ पर एक तो फिजिबिलिटी की बात हो रही है कि कितने कम कॉस्ट में हम ट्रैवल कर सकते हैं, इससे ट्रैवल का टाइम भी रिड्यूस होएगा अगर कभी से ट्रैवल करना है तो। प्लस मेनली नॉर्थ ईस्ट में इसलिए क्योंकि वहाँ पे ट्रेन का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ट्रेन वगैरह इतनी एफिशिएंटली दे कैन नॉट मूव, और कनेक्टिविटी के चैलेंजेस आते हैं, इसलिए वहां पर जो स्कीम हैज बीन प्रमोटेड। और प्लस एग्रीकल्चर में अगर हम उड़ान स्कीम की बात करते हैं, तो ट्रेड वगैरह के अलावा जो ट्रांसपोर्ट है जैसे कि पेरिसेबल गुड्स का, जैसे कि फ्लावर्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, तो उनको बहुत जल्दी उनको ट्रांसपोर्ट करना इज इम्पोर्टेंट, तो उसमें भी इट कैन हेल्प। नेक्स्ट, आरबीआई इशूज नॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटरी बॉडीज।
वी हियर वी टॉक अबाउट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कि कैसे जो आरबीआई है अभी उसने एक फ्रेमवर्क इशू करा है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सच सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, जिससे कि जो सेल्फ कंप्लायंस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, वो जो कल्चर है वो और ज्यादा प्रमोट हो, पॉलिसी मेकिंग और सेल्फ रेगुलेशन एज द टर्म इटसेल्फ सजेस्ट, तो उससे हेल्प मिलेगी ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर स्ट्रक्चर। फर्दर अगर हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो टॉप टॉप मोस्ट में वी हैव सेबी, विच इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट रेगुलेटर, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी वो मैनेज करता है। फर्दर वी हैव IRDAI, विच इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। दीज आर ऑल द टॉप मोस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। बेनिफिट की अगर इसमें बात करते हैं तो क्या क्या होते हैं, कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ग्राउंड लेवल पर ही जो कंप्लायंस है वो टेक प्लेस करता है, अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है इससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबल भी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जब हम एम्प्लॉयमेंट की या फिर फाइनेंशियली बात करते हैं तो वो बढ़ रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो हाउस होल्ड की इन्वेस्ट करने की क्षमताएं हैं वो कम हो रही है। तो उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए कि जैसे पॉलिसीज होगी या फिर इंश्योरेंस रिगार्डिंग या म्यूचुअल फंड में किस तरह से कनेक्ट किया जाए लोगों को ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और जो इन्वेस्टमेंट है उनके रिगार्डिंग उनको प्रमोट किया जा सके। उसके लिए बैंकों को भी सेल्फ रेगुलेटरी प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि वो फ्रीली लोन प्रोवाइड करवा सके या फिर जो भी अदर इन्वेस्टमेंट है उनके ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, रेयर सुपर ब्लू मून ग्रेसेस द स्काई, तो यहाँ पे सुपर मून की बात हो रही है, नोन एज द ब्लू मून, इट राइजेज ओवर सबर्बन हिल्स इन श्रीनगर, तो ये हिल्स का नाम हम याद रख सकते हैं, सबर्बन हिल्स श्रीनगर में है ये, ब्राइटेस्ट एंड लार्जेस्ट मून ऑफ 2024। तो ब्लू मून की अगर बात करते हैं तो मेजरली दो क्राइटेरिया होते हैं, कि या तो जो फुल मून 2 बार अकर करता है विद इन अ मंथ, एंड अनदर इज जब एक सीजन में 4 फुल मून देखने को मिलता है, देन वी टर्म इट एज सुपर ब्लू मून। नेक्स्ट, रेजीम चेंज इन साउथ एशिया, तो अगेन जो जियो पोलिटिकल टेंशन हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जियो पोलिटिकल अनरेस्ट विच इज विजिबल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जैसे कि चाइना को और बाकी कंट्रीज का क्या रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल चाइना इज रिलेशन विद बांग्लादेश, इट्स रिलेशन विद मॉलदीव्स, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा। तो वेदर और नॉट की जो रिजीम्स है प्रो चाइना है या नहीं, इंडिया शुड हैव अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक और ज्यादा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। प्लस जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऑल्दो चाइनीज की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते एंड वी कैन नॉट फाइट विद दैट, बट हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं और ज्यादा ट्रेड वी कैन इंक्रीज विद दीज कंट्रीज, जिससे कि इंटरडिपेंडेंस होएगी एंड देन फर्दर प्रमोशन। फिर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, विच इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसमें मेजरली 7 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, तो पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। फर्दर RODTEP स्कीम, रोड डेप स्कीम, तो
ये कैसी स्कीम है, फुल फॉर्म है इसकी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, एम्स एट जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स टू रिलीव एनी इंसिडेंस ऑफ ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट्स। तो अगेन ये रेमिशन ऑफ टैक्सेस हो रहा है ऑन एक्सपोर्ट्स, ताकि जो एक्सपोर्ट्स है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द टैक्स कंटेंट इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। मानसी दी, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस बेटर। जो रोडटेप स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज है, तो फर्स्टली रेमिशन होता है मींस देयर परसेंटेज इज बीइंग रिड्यूस्ड, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स वी आर इंश्योरिंग कि हाउ आर एक्सपोर्ट्स कैन इंक्रीज. सो वन प्रोविजन इज दिस कि इट इज ऑफ सेटिंग द हिडन टैक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इम्पोर्टिंग द रॉ मटेरियल एंड यू आर पेइंग कस्टम्स ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अंडर द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, देन दैट वुड बी रिफंडेबल इफ यू आर एक्सपोर्टिंग दैट फाइनल गुड. So this is one way of promoting the exports. So these are titled as hidden taxes, and then these are refundable. Then make India's exports more competitive in the global market. This would be possible through this. Comply with the WTO norms also, and replacing जो हमारी earlier scheme थी merchandise exports from Indian scheme. So we have the RoDTEP scheme, which is replacing this thing. So we are ensuring how the even the tariff barriers or the non-tariff barriers can be addressed, so that again to promote more of trade. So different taxes which would be compensated under this scheme are also mentioned. VAT and excise duty on fuel, which is used in the self-incurred transportation cost of the imported goods. Then second would be VAT and excise duty on the fuel used in generation, the electricity. So these would be refunded. Then we have the VAT and excise duty on the fuel used for running the machineries. Mandi tax are there, municipal taxes, property taxes, stamp duty on the export documents, and embedded GST on the inputs with the end product, which will be exempted from the GST. So we need to remember these different types of taxes. And it started in 2021. So 1st January 2021, and we have extended the scheme with the help. It will help the Indian exports to remain competitive globally. And budget allocation is rupees 16,500 crores. So current validity is up till 30th September 2024. So that is why now it is being again discussed whether it needs to be extended, what all sectors, whether we need to expand the again the coverage of the scheme or not. And then there is comparison between the RoDTEP and the earlier scheme, which is the Merchandise Export Incentive Scheme. So here, the earlier scheme, it was a promotional scheme to encourage exports of certain thrust sectors. So we have RoDTEP scheme, which is much more broader compared to the earlier scheme. And this is more compliant with the WTO norms. Then the objective of the earlier scheme was to incentivize the exports of goods, whereas the objective of the RoDTEP scheme is neutralize the taxes and the duties which are suffered on the export goods, and then they are otherwise not remitted in any manner. So remission was not we can say an element of the earlier scheme. So it was kind of a promotional scheme. So this is much more, we can say, effective when it comes to promoting the exports. And different ports are also there, ports where it can be availed. So again, this is not, it cannot be availed on all the ports that are there. So this is also one of the important features to remember. So here we are seeing that it only covers exports from the electronic data interchange ports. So the digitization of ports is one of the elements, and this would also push more digitization of the ports which are not so far digitized. So digitization and again digitize, this is another example that we can talk about. So goods which are being sold online and the physical exports of the goods happens from this these EDI ports, the electronic data interchange. So we have the proper data, and this can be availed, I think, online ही हम avail कर सकते हैं. So Indian customs EDI system is designed to exchange the transaction cost. So it is operated at 252 major customs locations in India, and this nearly handles 98% of India's international trade. So 252 major customs locations. You can move Hello. forward. Yes. Next is India's green energy goals
स्टिफ टेस्ट। तो यहाँ पे ऑन अगस्त 15 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रीअफर्म्ड इंडियाज एम्बिशियस गोल टू अचीव 500 GW ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास और स्मॉल हाइड्रो पार्क अलॉन्ग साइड न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो जो प्रीवियस टारगेट था इट वाज ऑफ 175 GW ऑफ रिन्यूएबल्स बाय 2022। तो अभी जो बताया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स में कंपेयर करके, तो इंडिया नीड्स टू ऐड नियरली 50 GW ईयर टू रीच दिस कैपेसिटी ऑफ 500 GW बाय 2030। करेंटली कितनी कैपेसिटी है? करेंटली इट इज नियर 200। एग्जैक्ट अगर देखे तो इट इज 178.98 GW, और जो न्यूक्लियर पावर है इट इज ऑफ 7.48 GW। तो नियरली 185 इज करेंटली 200, जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है जून 2024। फिर फर्दर अगर ग्रोथ करनी है यहाँ तक, तो ऑन एन एवरेज अगर माने तो इट इज नियरली 50 GW जो चाहिए होगा अगर सिमिलर रेट पे ग्रो करेगा। और यहाँ पे हमारे फर्दर एनुअल मेंशन भी है कि हम कितना एनुअली एडअप कर पा रहे हैं. हमें चाहिए 50 GW एनुअली, बट एज ऑफ 2023 फिगर्स वी हैव जस्ट बीन एबल टू मीट 13.7 GW. सो दिस आल्सो शोकेसेस द गैप, द कैपेसिटी गैप व्हिच एग्जिस्ट एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट. न्यूक्लियर पावर एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए न्यूक्लियर स्मॉल पावर रिएक्टर लगाने की बात की जा रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, जिसमें अडानी ग्रुप को इन्वॉल्व किया गया है। जिसमें जब हम रिवेन्यू की बात करते हैं तो जो रेंट दिया जाएगा उससे गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करेगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी उससे प्राइवेट जो पार्टनरशिप होगी वो रिवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि 300 GW तक एनर्जी जनरेट करेंगे। इस तरह की स्मॉल सी यूनिट लगाई जाएंगी ताकि 2030 तक जो 77% या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का गोल है उसको असेप्ट। देन स्क्रॉलिंग डाउन, ये जो चार्ट है, जो कंट्रीज टॉप 5 कंट्रीज है, दिस ऑल्सो शो केसेस इंडिया इज अमंग द बिगेस्ट कंट्रीज बाय रेन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली. सो वी आर एट 4th पोजिशन. तो इट इज इंक्लूडिंग दी हाइड्रो पावर ऑल्सो एंड एक्सक्लूडिंग ऑल्सो. सो वी आर एट 4th पोजिशन. टॉप में चाइना, यूएस, ब्राजील। ट्रांजिशन टाइट रोप, तो इंडिया ऑल्सो एम्स टू पावर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी कैपेसिटी विद रिन्यूएबल्स बाय 2030। तो अगेन जो थर्मल पावर है नाउ अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ इंडियाज ओवरऑल कैपेसिटी। तो यानी कि जो कोल फायर प्लांट्स हैं उनमें 55% शेयर है, डाउन फ्रॉम 66% इन 2017। और जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो इंक्रीज हुआ है 33% तक फ्रॉम 18%। कब से? 2017 से अब तक। बाकी स्टेट वाइज अगर देखें तो वी कैन सी हियर कि स्टेट वाइज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल पावर राजस्थान में इट इज द हाईएस्ट। देन वी हैव गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। राजस्थान एंड गुजरात आर एट द फोर फ्रंट ऑफ इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी। एंड वेन वी टॉक अबाउट द शेयर, तो सोलार पावर हैज द टॉपेस्ट शेयर, उसके बाद वी हैव फ्रॉम विंड, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। स्टेट रन सोलर एनर्जी कॉर्प, तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द पीएम कुसुम स्कीम विच इज ऑल्सो फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पार्क। नेक्स्ट, फूड इन्फ्लेशन कर्व वाइटल टू ईज प्राइस राइज।
तो हियर वी टॉक अबाउट द सीपीआई. तो फूड हैज अ 46% वेटेज इन द हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट. मानसी, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस आर्टिकल. तो पहले आप बताओ, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू टैकल द फूड इन्फ्लेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स? एक तो जैसे कि क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना ताकि जो डिमांड है इट कैन बी फुलफिल्ड. दिस इज द पॉइंट दैट आई कैन गेट. So here we have the role of both the firstly fiscal policy, monetary policy in terms of when we're talking about policy formulation. So fiscal policy, as we are seeing that government is, we have introduced procuring of other food grains also, where we can say that we'll be maintaining the adequate buffer stocks as well, because right now our main focus had been wheat and rice. So wheat, like millets, we can talk about, we are procuring millet, but that is like one or two only, the food grains, but we need to expand that bracket also. So one is that aspect, and then we are also at the same time working upon the warehousing facilities as well, so that if again there is excess of supply in the market for a particular good, for example, if we are talking about the vegetables, the top skim which is there, so we can store them, and then when we are meeting the adequate demand, so the supply can be made available. And also on the part of the farmers also, it will be a pro farmer step, because they'll not have to mandatorily or unwillingly sell in the market at very lower prices. So this is one aspect. Then we are talking about even government also providing the vegetables at subsidized prices through different outlets, but that is a short-term measure. Then we are also talking about how we can introduce, or like the GM varieties which are more climate resilient, and the millets which are more climate smart choices for the crop production. So that is another aspect through which we'll be also able to deal with the climate shocks, be it in the form of floods, or it is in the form of excess of rainfall in a short time period, or it is hailstorms, or when it comes to high wind speed. Then on the part of the monetary policy, we can talk about the including the factor of reduction of the carbon emissions, how we are progressing on that. So that also needs to be taken into account when it comes to changing the repo rate. So these are certain elements, and repo rate changes are again directly addressing the demand side factors responsible for the food inflation. And in this also, when we're talking about other factors, like right now we talk about the consumer price index. So in that case also, we are talking about there needs to be a shift towards the producer price index. And apart from this, when we're talking about the statistical measures, when it comes to the role of Ministry of Statistics and Program Implementation, so there also we are talking about how we need to change the nature of the GDP deflator that we are using, because in some sectors we are talking about usage of the wholesale price index for the services sector, which is excessively used, but again WPI is not covering the changes in the inflation of the services sector. So the effectiveness of the factors or the policy measures that we are using in the background also needs to see a shift. So whether we are talking about double deflation or the choice of GDP deflator move towards PPI, these are also important. ऑल्सो मानती थी, कैन वी से कि टेम्परेली अगर हम एक्सपोर्ट्स को कर्ब कर दें ऑफ द मेंशनड फूड बास्केट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो भी इट कैन डिक्रीज. यस, अगेन दैट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, बट इन दैट केस अ न्यू डिबेट हैज स्टार्टेड वेदर द गवर्नमेंट इज मोर प्रो फार्मर और मोर प्रो कंज्यूमर, बिकॉज दैट हैम्पर्स द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स ऑल्सो. सो वी नीड टू बैलेंस बोथ द थिंग्स एंड इंश्योर इफ वी आर हैविंग बेटर ऑल्टरनेटिव्स और नॉट. And again, need to work upon the long-term measures that we discussed. And also prevention में भी हम ये भी point डाल सकते हैं कि जो data है statistic उससे हम पहले ही analyze कर ले कि कहाँ कितना production हो रहा है. Again, apart from specifically Analyze.
इट इज बिंग एनालाइज, बट उसमें भी जैसा आई मेंशन द क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर्स दैट वी आर यूजिंग, सो वी नीड टू सी अ शिफ्ट देयर ऑल्सो, बिकॉज द चॉइस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर विल अल्टीमेटली डिसाइड हाउ हैज बीन द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया. एंड इवन इफ वी आर नॉट एबल टू गेट टू द एग्जैक्ट the practical trend which is happening, the situation which is there at the ground level, then there is no point of the again the policy measures that we are having, or that will not be helping us so much in reducing the food inflation or supply side inflation. And that we have seen also that it has been from a very long time that we have identified the causes of the food inflation, but now what is the action? Next, ONGC Videsh secures contract extension for Vietnam oil blocks. So here again, when we talk about trade, so ONGC, which is Oil and Natural Gas Corporation, Videsh Limited, so here a 16-year contract secure kara hai of extension for producing oil and gas in Vietnam. So here we can talk about trade, and then we talk about India and Vietnam. So isme major jo potential areas are for cooperation. So those are like agriculture, pharmaceuticals, textiles, and information technology. बाकी जो investment flows हैं तो Indian companies ने जो invest करा है वियतनाम में, they are majorly in the sectors like manufacturing, infrastructure, और जो real estate है. और जो वियतनामीज है दे हैव इन्वेस्टेड इन आईटी और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं इन इंडिया. सो कैन यू नेम द लोकेशंस, लाइक इट इज इन द साउथ चाइना सी एंड द नेम ऑफ द बेसन इज द नाम कॉन्सोन बेसन एंड इट इज टिल 2039. सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई ओएनजीसी विदेश वी आर बीड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स और हेयर दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर द ऑयल ब्लॉक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑयल ब्लॉक्स. So why India wants to have more such types of deals, or why we are trying to expand in these areas? So firstly, it will be reducing our import dependence, complete import dependence, which is again decided by the third country. For example, when we're talking about OPEC, so in importing from OPEC and then importing from the ONGC Videsh it is exploring and then importing from such types of deals will be helping India, because here we have more of India's role, and that would also help us in dealing with further the prices also. So that can also help in reducing the current account deficit for India and reducing the imported inflation. So this is one aspect. And again, in terms of the areas where we are seeing more, for example, in critical areas, China has the monopoly and it further wishes to expand, strengthen that monopoly in terms of the supply of critical minerals. So in that case, like we are having the, again, we are having the Kabil. It is having deal with Argentina for the exploration of the critical minerals. So these are, this is one of the methods that we can say how we can reduce the volatility and the risk factor, and we again be in the supply chain, whether it is again just a beginning, but we are trying to focus upon this. Next, CCPA cracks down on coaching centers. So here this article mainly talks about the Consumer Protection Act 2019. So yahan pe it is regarding the misleading via the advertisements or the unethical tactics that are used by the coachings and other several institutions. So authority ki baat kare to Central Consumer Protection Authority. So it has served notice on the coaching institutes regarding the advertisements. So here majorly the topper ke advertisements hai, they are used. And जो courses वो opt नहीं करते, maybe if they have taken help for interview, या only certain segments are test papers, even then they mention their pictures and their names as if के they have been their own student, जिससे के the normal candidate they get misled. So CCPA is a statutory body. It is established under the Consumer Protection Act 2019. And again, the main objective is to promote, protect, and enforce the rights of consumers in India.
सो बी इट रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और वॉयलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, एंड इवन इट विल ऑल्सो बी कवरिंग द ई कॉमर्स सेक्टर ऑल्सो. सो दे इट हैज द पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी एंटिटी दैट हार्म्स द कंज्यूमर इंटरेस्ट. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. एंड इट कैन ऑल्सो इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट द कंज्यूमर कंप्लेन्ट्स एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. इट कैन इशू रिकॉल ऑर्डर्स, इट कैन ऑर्डर रिफंड्स, एंड इट कैन ऑल्सो इम्पोज पेनल्टीज. सो दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर्स and enforcement of the consumer rights. So it also issues certain guidelines and rules to be enforced. So we have the it is headed by the chief commissioner with the additional commissioners handling various aspects. Okay. Next, companies tie up transport timings to keep women safe. Again, with the recent incident of the R.G. Kerr Medical College, there has been an increase or an highlight for regarding the safety of women at workplaces. Important act की अगर बात करते हैं तो it is Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, इसके प्रिवेंशन के लिए. फर्दर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स देखे गए हैं बाय द मेजर कंपनी, जैसे कि अमेजॉन प्रोवाइड्स पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज विद अकम्पनीमेंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड. अगेन आरपीजी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज. टाटा की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल शिफ्ट टाइमिंग्स. स्विगी की बात करें तो कैन डिक्लाइन डिलीवरीज इन एरियाज दैट सीम अनसेफ. तो ये भी ऑल्सो इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल इज द मेन थिंग. तो अपोलो में अरेंजेस इन हाउस अकोमोडेशन फॉर नर्सेस टू स्टे और ज्यादा रेस्टिंग एरियाज वॉशरूम्स इन द नियर बाय लोकेशंस इनको सेटअप करना. तो अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट दिस सेफ्टी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज एट सेफ प्लेसेस इटसेल्फ और प्रॉपर एक सर्वेलेंस होनी चाहिए एंड इवन सिक्योरिटी गार्ड्स. फॉर द पॉश एक्ट के बारे में वी कैन टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट. And yesterday, again, Supreme Court has also mentioned that there need to be a proper national safety standards, which needs to be effectively enforced at the same time in order to ensure protection, specifically in the public hospitals. This is we talk about Central Protection Act. Next, Himachal Pradesh flooding, 31 dead and rupees 1,140 crore in damages. So again, this is regarding the natural calamities और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वी हैव आईएमडी और एनडीएमए प्लस एनडीआरएफ दैट इज द स्पेसिफिक फोर्स रिलेटेड टू सच मेजर इंसिडेंट्स. फर्दर So यहाँ पे hazard or disaster mapping is important, in which again the role of IMD, NDMA, SDMA is very important. And even the recent bill that was introduced, the amendments was that right now, like the formation of SDRF is not mandatory on the parts of state. So that provision has also been removed and amended in the form that also needs to be made compulsory aspect, and it would be binding on the states. Then in this, like specifically in terms of mapping here, we are seeing that Himachal Pradesh, or it is having fragile ecology, vulnerable to about 25 types of disaster or hazards, like flash flood.